Your talent, your intelligence, and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल जी सिद्धली। मैं केपी राजपूत आपका जी सिद्धली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हम आपको लेकर के चल रहे हैं आज एलजेब्रा की क्लास नंबर 15। उससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका न्यू ईयर 2021 कैसा रहा। आज 2021 की फर्स्ट क्लास है जिसमें आपको एक नए धमाके के साथ क्लासेस शुरू होने जा रही है, जिसमें आपको एनटीपीसी बेस्ड जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। यानी हम एनटीपीसी की जो पर्टिकुलर बुक्स आती है आपकी घटना चक्र की, उसके माध्यम से जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी के जो एग्जाम में आने वाले हैं या कि जो कुछ शिफ्टों में एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन हैं, उन सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों को हम आपको 2 से 3 क्लास में खत्म करा देंगे जो जिन क्वेश्चनों की एनटीपीसी में आने की संभावना है। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। पहले क्वेश्चन के माध्यम से हम आपके डाउट क्लियर करते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जी सी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन को बता दें, हम सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ई बुक से आपकी जो एनटीपीसी के लिए होती है, ये एनटीपीसी एग्जाम के लिए है एक्चुअली में, ये घटना चक्री बुक है आपकी। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका एलजेब्रा के अंदर से, उन सभी क्वेश्चनों को हम आपको कराते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि नीचे दिए गए प्रत्युत्तरों में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यू प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यू का एक घटक कौन सा होगा। यानी एक कहना चाह रहा है कि का एक घटक कौन सा होगा। इसका मतलब ये वो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो क्वेश्चन दे रखा है, इन ऑप्शन दिए गए ऑप्शनों में से इसके गुणनखंड किस ऑप्शन में से हो सकते हैं। यानी जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें से इसके ऑप्शन किसको सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले ऑप्शन देखिए कि इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या आपका ये गुणनखंड इस क्वेश्चन में आ सकता है? हाँ आ सकता है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यदि आप खोलोगे तो आपका 2 पार्ट में खुलता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके माध्यम से हमें क्लियर हो गया कि आपका पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, आपको इस क्वेश्चन को कतई बेसिक से नहीं जाना। अब बात करते हैं कि सर आपने डायरेक्टली इसको लगा दिया, लेकिन क्या हम सेकेंड और थर्ड फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं? जरूर, क्योंकि हमें चेक करना ही पड़ेगा। अब सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन दे रखा है ए प्लस बी ए प्लस बी। इसका मतलब इसमें कहीं भी आपका ए प्लस बी के माध्यम से कोई सूत्र नहीं बनेगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का जो होल क्यू है वो खुलेगा आपका बी प्लस सी और बी माइनस बी प्लस सी और बी माइनस सी में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि या तो इसका जो ऑप्शन है वो होता है कि बी प्लस सी और बी माइनस सी या सी प्लस ए सी माइनस ए। इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करता है वो है आपका फर्स्ट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको एग्जाम की अप्रोच यही लगानी है, आपको ना कि बेसिक से जाना है, इसलिए आपको एग्जाम के अप्रोच से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सेकंड क्वेश्चन अपना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 5 और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है। यानी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रेशियो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का रेशियो जो है आपका वो 5:3 है। तो x का मान बताना है, सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखिए इसे कैसे करेंगे हम, इसके 2 तरीके हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 5, x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दे रखा है। ये आपके पास 2 ऑप्शन है, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है आपका। अब इस बराबर को आप एक ही में लिख दीजिए एक बार में, यदि इसके बराबर ये है इसे सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, इसे करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, इसके इक्वल टू आपका 5 आएगा और उसके इक्वल टू आपका 3 आएगा। एक्स से एक्स काट दोगे जब आप तो इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x² + 3 बराबर 5x² - 5। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इधर 2x² हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, यानी कि 2x² = 8। इस 2 से 8 को काटोगे तो 4 टाइम्स जाएगा और x का मान यहाँ से आ जाएगा +-2। यहाँ पर सिर्फ प्लस का 2 नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा आपका +-2 होगा। क्यों?
क्योंकि आपका जो संख्या है एक्स स्क्वायर के बटे बराबर में चार दे रखा है, या चार किसी भी संख्या का होता है, यहां पर आपका प्लस आना होता, इसलिए ये प्लस माइनस टू होगा वो होगा, यानी कि प्लस भी हो सकता है यहाँ और माइनस भी हो सकता है। अब बात करते हैं क्या इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका बिल्कुल हो सकता है। इसका आंसर प्लस माइनस टू देखिए आपका सेकंड ऑप्शन में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस टू, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो गया आपका। अब बात करते हैं क्या इसका दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। हाँ देखिए द्वितीय विधि जो रहेगी आपकी ऑप्शन के हिसाब से, द्वितीय विधि है जो आपकी वो ऑप्शन के हिसाब से काम करेगी। देखिए कैसे हमें पता चला कि यदि x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू फाइव है, x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू थ्री है, तो हम इसमें क्या पुट करना चाहिए। हम सबसे पहले इसमें दो पुट करके देखते हैं, दो प्लस वन अपॉन दो, दो माइनस वन अपॉन दो। देखिए दो दूनी चार एक पाँच, पाँच बट्टे दो, और दो दूनी चार एक, यानी तीन बट्टे दो, पाँच बट्टे दो, तीन बट्टे दो, दो से दो कट जाएगा तो यहाँ बचेगा पाँच बट्टे तीन, और इसके बराबर में भी कितना चल रहा है पाँच बट्टे तीन, तो पाँच बट्टे तीन हो जाएगा, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमें इन बातों से यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, वो कंसेप्ट क्या है आपका, सबसे पहले देखिए कि यदि सर आपने डायरेक्टली टू कैसे रख दिया, मैंने टू इसलिए यहाँ पर रख दिया, मुझको पता है कि इसमें माइनस और प्लस सिर्फ वन को किया जा रहा है, और जो इनमें अंतर है इनकी संख्याओं में वो कितने का है, दो का, यानी किसी भी संख्या में यदि एक जोड़ दिया जाए तो वो संख्या और एक घटा दिया जाए तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो दो होगा। जैसे देखिए यदि मैं आपसे बात करूं कि तीन है, इसमें आप एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ा आपने प्लस वन किया तो संख्या क्या हो जाएगी चार, एक घटा दीजिए तो इसका जो यदि एक माइनस करोगे आप तो यहाँ पर टू हो जाएगी, यानी दोनों का जो अंतर होगा वो दो का होगा, इसलिए हमें डायरेक्टली यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो अंतर है वो दो का है, इसलिए इसमें एक घटाया गया होगा और एक जोड़ा गया होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टू प्लस वन अपॉन टू, यानी यदि हम दो रख दें यहाँ पर, क्योंकि इसमें प्लस वन और माइनस वन किसको किया जा रहा है, एक को किया जा रहा है, यानी दो का या दो मल्टीप्लाई किया जाए तो ये पाँच हो जाएगा और यही तीन हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्टली टू को रखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दलिया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। चलिए चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके कंसेप्ट के माध्यम से क्लियर कराते हैं, उसका कंसेप्ट और ट्रिक दोनों बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं आपको कि यदि स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस का टू फोर इक्वल टू जीरो है तो एक्स का मान बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस का टू फोर इक्वल टू जीरो, तो हमें यहां से किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का। देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस का थ्री एक्स माइनस का ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो। हम 8x के माइनस में से यदि प्लस के 3x घटा दें तो यहाँ पर जो बचेगा माइनस का 5x बचेगा। देखिए इसमें से यदि हम x कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 8 प्लस, यदि यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो यहाँ से जो आपका बचेगा x माइनस का 8 इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस 8 बराबर जीरो, तो जो यहाँ से x के जो मान निकल के आएंगे एक तो होगा 3 होगा या आपका माइनस का, दूसरा ऑप्शन होगा प्लस का 8, तो यही आपका किस ऑप्शन में 3 और 8, ये 3 और 8 आपके फर्स्ट में है, माइनस का 3 और प्लस का 8 आपके फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहो तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले देखना होगा क्या इसके लिए बेसिक से जाना जरूरी होगा कि आपका ऑप्शन से, तो इसलिए इसमें जो आपका ऑप्शन से जाना कतई बेस्ट नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन भी आपका दो से तीन लाइन में सॉल्व हो रहा है, इसलिए आपको डायरेक्टली इसमें कंसेप्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं। एनटीपीसी में आपके आने वाले क्वेश्चन है, एनटीपीसी में संभावित क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। देखिए क्या है,
ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसमें आपको एक बात पता होना चाहिए। सबसे पहले वो बात बता दो, इसमें दे रखा है कि यदि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो है, के मूलों का योग और उसके गुणनफल का बराबर है, के बराबर है, तो कौन सा सही है। मैं बता दूं आपको, जो मूलों का योग होता है वो होता है माइनस क्यू अपॉन पी। इस प्रकार के जो सूत्र आता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, तो इसमें जो मूलों का योग होता है वो होता है माइनस क्यू अपॉन पी, और जो मूलों का गुणनफल होता है वो होता है आर अपॉन पी। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको यही देखना है, सॉरी, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू आर अपॉन पी, और मूलों का जोड़ जो होगा आपका वो होगा माइनस का क्यू अपॉन पी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमने आपको बताया, लेकिन ये कब संभव है, जब आपकी इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो हो, जब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो हो। अब इसके माध्यम से आपका क्वेश्चन बनता है ए, के मूलों का योग उसके गुणनफल के बराबर है तो कौन सा सही है। मूलों का योग यानी यदि इन दोनों को हम बराबर कर दें तो कौन सा सही है। तो देखिए, यदि हम करें माइनस का क्यू अपॉन पी बराबर आर अपॉन पी, तो पी से पी काट देंगे यहाँ पर और माइनस का क्यू बराबर आर आ जाएगा। यानी कहना क्या चाह रहा है, ये देखिए आप, इसका ऑप्शन है माइनस क्यू आर। यदि माइनस के क्यू को इधर भेज दें हम तो क्या हो जाएगा, आर प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। अब ये देखिए क्या ये ऑप्शन में है, देखिए पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो, बस यही दे रखा है इस ऑप्शन में, क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो। तो आपका यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार से किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ रहे, जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में संदेह रहेगा जब तक आप स्टडी कर ही नहीं सकते, इसलिए आपका संदेह दूर करना आपका कर्तव्य है और संदेह को दूर कराना हमारा परम कर्तव्य है। तो देखिए अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी, कि यदि x स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू का मान शून्य है तो x क्या होगा। x स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री का मान क्या है, शून्य है, तो अब इसे हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए तो इसमें से x का मान करना है, बस गुणनखंड है, आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए x को x स्क्वायर कर दो, यहाँ पर 3x कर दो, माइनस का x कर दो, प्लस का 3 इक्वल टू जीरो। मैं इसकी आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए सबसे पहले हम बेसिक से जाते हैं, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 होगा, यहाँ माइनस वन कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 होगा, इक्वल टू में जीरो आएगा। इसमें से हमने माइनस फोर एक्स को टू पार्ट में डिवाइड किया, माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री जो आपका था वही लिख दिया, और इक्वल टू जीरो। अब हमने इसमें से एक्स कॉमन लिया, जैसे ही हमने एक्स कॉमन लिया तो एक्स यहाँ आ गया, एक्स माइनस थ्री हो गया, लेकिन अब हमें इसको भी एक्स माइनस थ्री लेके आना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, माइनस वन को हमने इसमें कॉमन ले लिया, तो हमने माइनस वन जैसे ही कॉमन लिया तो जो थ्री है प्लस का वो माइनस का थ्री हो जाएगा, तो यानी कि एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो होगा। और यहाँ से जैसे एक्स माइनस वन बराबर जीरो को पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो हमें पता चलेगा एक्स बराबर वन आएगा और एक्स बराबर थ्री आएगा, यानी आपके एक्स के दो मान हो गए एक कॉमा तीन, तो x का मान जो होगा आपका वो क्या हो गया, एक कॉमा तीन। अब बात करते हैं ऑप्शन की, आपका सेकंड ऑप्शन में आपके ऑप्शन है तीन और एक, यही आपका आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा आपका आंसर, बी।
अब बात करते हैं क्या इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते थे। हाँ देखिए कैसे, इस क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस तीन का मान शून्य है, तो यदि एक्स का मान क्या होगा। अब हम देखें इस प्रकार से कि यदि इसमें हम एक्स स्क्वायर मान फोर एक्स है, यानी जब आप इसके गुणनखंड करने जाओगे तो फोर एक्स को आपको जरूर थ्री और एक में तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका पीछे तीन है, इसलिए यहाँ पर फोर को भी आपको तीन और एक में ही तोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो इसका मान होगा तीन और एक ही होगा, क्योंकि एक ऑप्शन में आपका ये आपको आएगा कहाँ से, देखिए ये आपको आएगा जैसे हमें पता चला ये चार है, और चार को तोड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। वो कैसे? क्योंकि हमें पता है इसमें पीछे क्या है, तीन, तो इसलिए हमें इसको चार को तीन और एक में ही तोड़ना पड़ेगा, और इसके आंसर भी तीन और एक ही होंगे। देखिए कैसे, तीन और एक यानी थ्री एक्स ए रहा और एक एक्स ही रहा। इस एक्स का मतलब हो गया, इस एक एक्स की वजह से ही यहाँ पर बन आया है, इसलिए हम कह सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से कि जब फोर एक्स को तोड़ोगे आप तो थ्री और वन में तोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसके जो एक्स के मान भी होंगे वो थ्री एक हो जाएंगे। तो देखिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो शेयर जरूर करते रहना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से। ये आपका जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे एग्जाम के पर्पज से ही है, और आपके एनटीपीसी जो घटना चक्र की बुझ है उसने सपोज किए गए क्वेश्चन है, उनके अनुसार एक क्वेश्चन एनटीपीसी लेके बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, इसलिए मैं भी इनमें से छाट करके क्वेश्चन आपको लिए करा रहा हूं। देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है कि तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहले के वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग 154 है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। देखिए पहला तरीका यह है कि तीन लगातार पूर्णांक की बात की जा रही है, तो एक्स कोमा एक्स प्लस वन कोमा एक्स प्लस टू, ये तीन पूर्णांक लें। फिर बात कर रहा है इसमें कि धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार है कि पहले के वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग 154 है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक बताइए। यानी एक कह रहा है इसमें पहले का वर्ग मतलब एक्स एक्स स्क्वायर और शेष दोनों का गुणनफल प्लस एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरे इक्वेशन को तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारे क्या मान निकल के आएंगे कि सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा, और x के मान के माध्यम से हम इसका सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी है? हाँ देखिए कि यदि हम ऑप्शन पर जाएं तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे इसके कि 8, 9, 10, 11 हमें पता है कि यदि हम इसका पहला ऑप्शन इसका आंसर या सबसे बड़ा पूर्णांक हम 10 ले लें, इसका सबसे बड़ा पूर्णांक यदि हम 10 ले लें तो जो बीच का मान होगा वो 9 होगा और सबसे छोटा पूर्णांक 8 होगा। तो सबसे छोटा पूर्णांक 8 होगा, इसका मतलब x का मान 8 होगा और x प्लस 1 का 9 होगा और x प्लस 2 का 10 होगा। ये मान के चला है हमने कि सबसे बड़ा पूर्णांक यदि 10 है, सबसे बड़ा पूर्णांक 10 है, यानी हम ऑप्शन किसको लेकर के चल रहे हैं, ऑप्शन सी को लेकर के चल रहे हैं। तब हम इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 9 इक्वल टू 154, ये 90 हो जाएगा, 90 में 64 जोड़ोगे तो 154 आएगा, 154 इक्वल टू 154 LHS इक्वल टू RHS। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझाते हैं आपको कि वास्तव में इस क्वेश्चन में करना क्या चाहिए था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम 10 हमने माना, कि आप सोच रहे होंगे यदि सर मैं सबसे बड़े पूर्णांक को यदि 8 मान लेता, तो देखिए एक प्रकार से इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा सा। यदि आप सबसे बड़े पूर्णांक को 8 मानोगे तो इसका सबसे छोटा पूर्णांक 7 होगा और फिर सबसे छोटा 6 होगा, यानी बीच का पूर्णांक 7 आएगा। अब ये कह रहा है सबसे छोटे पूर्णांक का होल स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा प्लस इन दोनों का आपस में गुना 856, यानी आपका जो बराबर में लेके आना है वो 154 लेके आना है, यानी 150 से आपकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए आपको कम से कम इसका वर्ग तो करना ही पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर 9 ले लेते हो तब भी नहीं हो पाएगा। आप एक बार देखिए, आप डायरेक्टली भी चाहो तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए कैसे, आप यदि 10 को बड़ी संख्या नहीं लेकर के चलते,
यदि 10 को 9 ले लेते आप, यदि 9 आप बड़ी संख्या ले लेते तो आपके अनुसार सबसे छोटी संख्या आपकी 7 हो जाती, और 7 का जब होल स्क्वायर करोगे आप तो 749 होगा और 8 9 72, यानी आपकी ये संख्या 154 से कम रह जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं यदि आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हो तो आप इस ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और इस माध्यम से आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसलिए आपको जो आपका ऑप्शन वाली अप्रोच है उसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आप क्वेश्चन को बड़े एजी तरीके से और बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है कि यदि x तथा 1/x, क्वेश्चन दिया है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यदि x तथा 1/x का औसत m है, यदि x प्लस 1/x का औसत है वो m है, तो x स्क्वायर तथा 1/x² का औसत क्या होगा। देखिए यदि हम बात करें x एवं 1/x की, x एवं 1/x, तो इसका मतलब हो गया x का जो मान है x इक्वल टू यहां पर 0 नहीं है, लेकिन x इक्वल टू 0 नहीं है, तो अब इसके औसत की बात कर रहा है। यदि इनका औसत कितना है m है, तो इनका योग कितना हो जाएगा पता है आपको, x प्लस 1/x इक्वल टू 2m हो जाएगा, क्योंकि औसत हम जब निकालते हैं जितनी संख्याओं को जोड़ते हैं जितनी, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या हो गई तो हम 5 का इसमें क्या करेंगे डिवाइड करते हैं तब औसत निकल के आता है। इसलिए हम अब इनका जोड़ कर रहे हैं तो हमें इसमें से 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें पहले 2 का भाग दिया होगा। तो अब क्वेश्चन पूछ रखा है कि तो का औसत m है, तो x स्क्वायर तथा 1/x² का औसत कितना होगा। यदि हम इसका होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमें x स्क्वायर 1/x² लेना है, x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस x 2 × x × 1/x इक्वल टू 4m². आप देख पा रहे होंगे कि जब x से x को काटेंगे हम तो यहां पर x स्क्वायर प्लस 1/x² आ जाएगा, लेकिन ये इसका जोड़ आया यहां पर, ये इसका क्या आया, ये यहां पर इसका जोड़ आया है। जब हम इसका औसत निकालेंगे, क्योंकि दो दो संख्याएं हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x² दो संख्या है यहां पर, 4m² है, लेकिन जब इनका औसत निकालेंगे हम दोनों संख्याओं का, यानी x स्क्वायर और 1/x² का जो औसत होगा, तो हमें इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दो संख्या है, इसलिए x स्क्वायर एवं 1/x² का जो औसत होगा वो हो जाएगा 2m², यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख पा रहे होंगे कितने एजी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि फिर भी कहीं पर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। आपका x स्क्वायर एवं 1/x² का जो औसत आएगा वो 2m² होगा, किस प्रकार से, क्योंकि हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² का औसत कितना निकला है 4m², लेकिन ये इसका क्या है जोड़ है, लेकिन जब इनका औसत की बात की जाएगी तो इन दोनों संख्याओं का जो औसत होगा वो 2m² हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ा जा रहा है, लेकिन औसत की बात की जाती है तो पर्टिकुलर, जैसे 1 + 2, 1 और 2 का जब औसत निकालोगे तो 1.5 क्यों आता है, क्योंकि उसमें जब जोड़ करके 3 होता है और 3 में हमें 2 का डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि औसत निकालने के लिए हमें जो कुल संख्या होती है उसका भाग देना जरूरी होता है। इसलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।